पांच सिस्टर आए हैं तो उन्होंने देखा एक एक काम, जैसे प्रोफेशनल आर्टिस्ट देखते हैं ना कि ऐसा कैसे लाइन से ही ऐसा, क्यों एक एक वर्क के पास इन्होंने मिनिमम 2 मिनट्स या 3 मिनट्स स्पेंड किया है। दे वर लाइक दे आर सो मच हैप्पी, कितना खुश थे उन्होंने काम को देखने के बाद। हाँ दे आर लाइक दे आर जस्ट नॉर्मल पब्लिक है। दे सेड, दे ऑल्सो सेड दैट दिस इज द फर्स्ट टाइम दे केम टू अ गैलरी टू विजिट टू सी वर्क्स। तो मैं ये सब सुनने के बाद जो मेरा आंसू थे, मैंने स्ट्रांगली उसे कंट्रोल किया था, क्योंकि ये जो मैं काम किया था सब कुछ 5 वर्ष, आई हैव टेकन 5 ईयर्स टू कंप्लीट 14 वर्क्स। ओके तो इस जब इन्होंने जो बात कर रहे थे, मैंने सोचा कि जब मैं किसी, क्योंकि जो मेरा गैप है उस वक्त ना, जो भी मेरा कांटेक्ट सब कुछ कट हो गए सब थे। कट हो गया। हाँ, मेरे ज्यादा फ्रेंड्स, मीन्स ज्यादा फ्रेंड्स जो कुछ थे, गायत्री और कुछ फ्रेंड्स थे, चार चार पांच फ्रेंड्स वही थे। तो उधर जाकर किसी को, मैं किसी को पता नहीं हूँ, ज्यादा लोग भूल गए थे एंड मुझे भी ज्यादा पता नहीं था। पर मेरा जो काम है हाँ उस काम में सब लोगों को गैलरी को लेकर आ गए। मीन्स ओके एक मेरा टीचर है, जो मैंने बोला था ना BFA में मेरा HOD है करके, श्रीनिवास आचार्य करके, उन्होंने एक बोलते थे, अगर तुम काम कर रहे हो कि वो काम कैसा करो, वो है तुम्हारा लास्ट, वही तुम्हारा लास्ट काम है करके वैसा करो। उस काम में तुम्हारा तुम्हारा सब कुछ, तुम्हारा जो भी टैलेंट है, तुम्हारा कितना पेशेंस है, सब कुछ उसमें दिखना दिखना है करके वो बोलते थे। हाँ मीन्स जब मैं फिर काम शुरू की थी, वही एक मीन्स दैट केप्ट इन माय माइंड, देन आई स्टार्टेड वर्किंग। तो ये क्रोशे का काम शुरू मीन्स शुरू की थी, बट आई हैवन्ट टेकन इट सो सीरियसली। तो उस वक्त ना इन 2008, आई थिंक 2000 सॉरी 2018 सॉरी, उस वक्त मेरी फ्रेंड लेखा करके, केरला से मेरा PG क्लासमेट है, मेरा अच्छी सी फ्रेंड है, वो अच्छी सी आर्टिस्ट भी है। सो लेखा वाइलोपिल्ली करके, उसने क्या किया, तुम ऐसा नहीं, तुम कितने बार भी मैं बोल रही हूँ काम शुरू करो, करने से भी तुम नहीं कर रही हो कुछ, क्रोशे ये सब क्राफ्ट वर्क कर रहे हो। तो मैंने क्या, हमने एक ग्रुप शो कर रहे, तो तुम्हारा नाम मैं दे दिया, तुम्हारा जो गैलरी का खर्चा भी मैं उसको भी मैंने भर दिया है, तुम जस्ट आकर तुम काम उधर रख दो। मैंने बोला बस काम नहीं है, मैं कुछ काम नहीं कर रही हूँ, मैं कैसे करती हूँ। तो उसने बोले नहीं ऐसा नहीं है, जो भी तुम्हारा सेल्फ पोर्ट्रेट से इतना किया है लेकर आ जाओ रखो, तो जो भी शो के वक्त जो भी नेगेटिव होता है, जो भी है, तुम उसे ले लो, उसे पॉजिटिव जैसा बना मीन्स ले लो, यू टेक इट एज पॉजिटिव एंड वर्क इन डबल टाइम, डबल शक्ति से तुम फिर काम काम करो। शुरू कर शुरू करके। उसने क्या किया, मेरा काम मेरा नाम लिख दिया एंड सब कुछ उसने कर दिया। तो उधर जाने के बाद ज्यादा ही लोग जो भी आते थे मीन्स गैलरी को, सीनियर आर्टिस्ट या टीचर्स, आर्ट टीचर्स थे, ये एवरीवन नाम यूज्ड टू दिखाया टेल। था वहां। नहीं, क्रोशे तब तक शुरू नहीं हुआ था, ओके शुरू नहीं हुआ था क्रोशे मैं सीरियसली एक पेंटिंग करना है करके सोच आने के पहले ये शो हुआ था। ओके कैसा हुआ था कि उस वक्त जो भी आए थे उन्होंने बोल रहे तुम्हारे काम में ये डिफेक्ट है, वो डिफेक्ट है, तुम ऐसा करना चाहिए था, वो वैसा करना चाहिए था करके। उधर केरला का एक गुड थिंग इज नॉर्मल पब्लिक भी गैलरीज को आते हैं, आर्टिस्ट ही हाँ नहीं, नॉर्मल पब्लिक भी बहुत दूर से आते थे शो ओके देखने के लिए। तो उधर एक मिडिल एज वुमेन आई थी, एक वर्क था, डिटेल में मैं बोली ना, डिटेल में एक पोर्ट्रेट किया था करके, उस वर्क को बहुत गौर से देख रही थी। हाँ वो देखकर मैंने सोचा ये भी अब आएगी मुझे डांटेगी करके सोच रही थी। हाँ तो
मेरे पास आ गए, उसके आंखों में पानी थे। आई वॉज रियली वरीड, मेरा काम इतना था कि उसको शी आंसू आ वॉज गए। लिटरली। सो मैं मीन्स आई एम रियली वेटिंग फॉर हर व्हाट शी इज गोइंग टू टेल, क्या बोलती है काम के बारे में, मैं देख रही थी। देन ने बोले, जो सच है तूने उस काम में दिखाया था, मैं आई एम रियली कनेक्टेड टू दैट वर्क, उन्होंने बोला। मीन्स दैट इज एनफ फॉर मी टू गो अहेड। मीन्स क्योंकि आगे कोई बढ़ो कर। आया है, हाँ, उधर रुककर काम को देखकर उसे फील करके, मीन्स दैट मोमेंट दैट इफेक्ट आई वांटेड टू हैव इट इन ईच एंड एवरी वर्क, दैट इज व्हाट आई फेल्ट एंड आई थॉट काम शुरू करने वक्त। ये काम ना मैंने मीन्स जब भी मैं मीन्स व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट और व्हेन आई वाज कैरिंग माय किड्स एंड ऑल, ये ट्रैवलिंग पब्लिक में ट्रैवल करते थे, स्मोक करते थे, वी कांट टेल आप प्लीज मत करो करके, बिकॉज उसकी मर्जी है क्या करना है क्या नहीं करना है। बट एज अ मदर आई यूज टू गेट वरीड, क्योंकि बच्चे जो है दे आर बहुत डेलिकेट रहते हैं, उसका बिल्कुल उनका हेल्थ जो भी, वो भी बहुत डेलिकेट रहती है। तो एंड एज द टाइम गोज ऑन, मुझे एक फील हुआ कि बच्चों का ना हम ज्यादा ही बोलते हैं ये मत करो वो मत करो ऐसा नहीं बैठना है ऐसा करो। मीन्स वी लिटरली से इसका बैकग्राउंड क्या पेंटेड पेंटिंग है, एक्रेलिक का पेंटिंग है, है? ओके okay. उस पर कैनवस पर करके अच्छा, उस पर क्रोशिया बाद में मैंने स्टिच किया। ओके स्टिच किया था। तो अगर उसे वो जो बैकग्राउंड में है ना वो सिगरेट्स है, सिगरेट्स को अच्छा विंग लगाई हुई थी। ओके हाँ, तो वो मुझे कैसा कि सिगरेट्स को बहुत फ्रीडम है, कहीं भी आप ले सकते हो, बट बच्चों का ना थोड़ा रिस्ट्रिक्शन ज्यादा ही होते हैं, बिल्कुल, इधर शोर मत करो वो शोर मत करो करके। ये भी चित्रकला ऐसे परिषद हाँ, का है। ये भी मेरा शो का एक काम है। हाँ, ये 7x6 कुछ साइज का है। ये मेरा अच्छा, ये जब बेटा, आप काम करते हो तो वो डिफिकल्ट नहीं होता? आप कभी आंख इधर हो जाए, कभी नाक इधर हो जाए, कभी, क्योंकि वो तो तो मेरे ख्याल से पहले इमेज। का हाँ इट वाज डिफिकल्ट। आगे वो वर्क है, आपको दिखाती हूँ, वो वर्क भी है जो ओके पहले मैं काम करती थी। तो क्रोशे से शुरू करती ना, एक आंख इधर रहती थी, एक आंख इधर रहती ओके थी, एंड नो समवेयर, एंड द प्रोपोर्शंस आर नॉट गुड। इट टुक टाइम फॉर मी टू यू नो लर्न द पैटर्न एंड गेट यूज टू द टेक्निक। उसके बाद ना अब मैं पोर्ट्रेट एक जल्दी विद इन 2 और 3 डेज मैं कर सकती हूँ। मीन्स ओके एज अ प्रैक्टिस होगा गोस ऑन, तो वो क्या बोलते, स्पीड भी बढ़ गई और बिल्कुल जो कलर्स मैं देखती हूँ वो भी, उसका नजरिया भी बढ़ गई थी। ये पर मेरे दोनों ख्याल से ये थिंग्स, प्रैक्टिस से ही संभव है। हाँ, ये बोलते हैं ना, एक सब लोग बोलते हैं तुम्हारे में टैलेंट है, हम में ऐसा टैलेंट नहीं है। टैलेंट वैलेंट कुछ नहीं होता है, जो प्रैक्टिस होता है ना प्रैक्टिस से आता है, और दिमाग में वो इंटरेस्ट रहना चाहिए, मैं बिल्कुल मुझे करना करने का मन है करके, तभी कुछ भी पॉसिबिलिटी होते हैं। बिल्कुल जो ये सब जो भी इनॉग्रेशन को आया है वो ज्यादा वक्त ज्यादा तो लॉयर्स ही है। हाँ, हाँ तो इधर भी आप पीछे देख सकते हैं मेरा सेल्फ पोर्ट्रेट है, पीछे अच्छा, वो पीछे जो काम है ये वाला। जो है, हाँ, वो सेल्फ पोर्ट्रेट है। अभी नेक्स्ट ये काम देख सकते हैं ना, अच्छा, वो हेयर तो कट वाला तब तब का था ना वो, कौन सा हेयर कट वाला ये जो आप बता रहे थे कि ये जो काम की पहले का था, इट ओके वाज अराउंड 2020 आई हैव डन दैट वर्क। हाँ, हाँ, पर ये बहुत तो बड़ा साइज है, कितना समय लगता है आपको ये के काम फिनिश करने में? आई डोंट नो, बट ये इस काम को मैं आई हैव कंप्लीटेड इट विद इन 45 डेज।
और ये तो आश्चर्य है कि जैसे ये फेस पे अगर देखें तो वैसे जैसे कलर मिक्सिंग होता है ना, वैसे ही फील आ रहा है कि आपने ऑयल वाला फीलिंग देखी हो। तो वो जो आंटी है वो मेरी फ्रेंड की माँ है, तो उन्होंने शी हैजंट एक्सपेक्टेड द वर्क्स इतना बड़े होंगे. उनको पता है मैं क्रोशेट करती हूँ, उनको वो भी क्रोशेट करते, वो भी देख रहे थे काम, पर इतना बड़ा होता है करके उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. तो शी वॉज रियली हैप्पी फॉर मी. पर वो होता है ना, जैसे अगर आप क्रोशिया काम कर रही हैं, करते करते फिर वो डिस्टेंस भी मेंटेन करना है, फिर आपको उतने हाँ, डिस्टेंस पे जाके देखना भी है कि फर्स्ट फ्लोर पे जाके देखे नीचे क्या करके आई मैं, होता तो है ना ये चीजें। इधर ना आप देख सकते हैं नवार करके गांव में मिलता है, नवार का कॉट्स, ये नीचे तो पट्टियां ना, हाँ वो जो पट्टी है वो सब मेरे मैं जब मैं बचपन की थी उस वक्त का नवार है वो सब, उसे कलेक्ट कर तो नया एक दो नया भी ऐड कर दिया, उसे करके मैंने बैकग्राउंड क्रिएट किया. इट इज अराउंड 20 और 20 केजेस भी हो सकती है ये वर्क, 20 और 25 केजेस है ये वर्क का वेट. हाँ तो ये हाँ ये 1 सेकंड, ये हाँ, यहाँ ये कहाँ पे ये शॉप है? कोयम्बतूर में, कोयम्बतूर स्ट्रीट आर्ट करके एक हुई थी, एक इवेंट एवरी ईयर होती है उधर. जिता कृष्णमूर्ति करके एक क्यूरेटर है, उन्होंने क्यूरेट किया इस शो को, तो और देख पता है सकते हो एक चीज एक. बहुत इंटरेस्टिंग है, ये जो आप छोड़ देते हो ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ मुझे ना मुझे मुझे क्या लगता है कि जो भी है वो कंप्लीट नहीं होता है, बिल्कुल कुछ भी स्टोरीज है कुछ भी है कंप्लीट नहीं होता है, उसके बाद कुछ तो कंटिन्यूएशन होती है, कंपलसरी रहती है. डालते हैं ना टू बी कंटिन्यूड करके मूवीज में एंडिंग में, ऐसे बिल्कुल ही काम भी ऐसे ही होता है, फीलिंग्स भी ऐसे ही होते हैं, एक एंड नहीं होता है कंटिन्यूस होता है. सो इसकी बिकॉज ऑफ दैट ओनली आई लव द थ्रेड्स. एक नीचे डालते ना, मीन्स इट्स नॉट लाइक सेम साइज और सेम शेप, मीन्स ऐसा मीन्स एक एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग जो होता है ना वो आ रही बिल्कुल। है. ये हैदराबाद की शो है जो अभी नरे रिसेंट जो रेजोनेटिंग शो था, रिसेंट लास्ट मंथ का शो है. अमन प्रीत शी इज द क्यूरेटर ऑफ द शो. दैट्स फर्स्ट टाइम आई हैड द इंटरेक्शन विद लक्ष्मा गौड़ सर, इट वॉज रियली गुड, ही रियली अप्रिशिएटेड माई वर्क, उनको बहुत पसंद आ गए काम काम वाह काम. एंड वो बोल रहे क्या 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 करना है, मीन इट वॉज रियली हैड अ वेरी गुड डिस्कशन विथ हिम. वाह, ये एक डिस्टेंस के बाद वो लगता नहीं है ना देख के कि ये क्रोशिया में किया है कि क्या ऐसे। हाँ यस. और मुझे लेटर पता चला कि कुछ बच्चे जो आते थे वो इस पोर्ट्रेट्स को इस वर्क्स को देखकर उन्होंने बोल रहे कि ये मेरा फ्रेंड की जैसा है, ये मैं जब छोटी थी मैं वैसे ही दिख रही थी, ये ना मेरा फोटो लेकर ये आंटी मेरा काम किया है, मीन्स ऐसा बात करते थे. हर दिस स्टोरी आई वॉज रियली हैप्पी. तो ये ऐसा मीन्स कनेक्टिविटी कनेक्शन हो रही है करके. ये गायत्री की बेटी है पर्णिका करके, तो उसकी ये पोर्ट्रेट है, तो शी इज द फर्स्ट फ्रेंड ऑफ माई डॉटर, मेरी बेटी का फर्स्ट फ्रेंड है. तो वो जो मोमेंट होता है ना, तो उसको मीन्स आई जस्ट वॉन्टेड टू कैप्चर द हैप्पी मोमेंट बिटवीन देम, उसे कैप्चर करके मैंने ये पोर्ट्रेट किया है, ये वर्क किया है. बैकग्राउंड बैकग्राउंड वो है ना पेंटेड। एक्रिलिक है, एक्रिलिक ऑन कोरा क्लॉथ, कोरा क्लॉथ को टेक्सचर वाइट से एक दो कोटिंग करके बनाए हैं जो अच्छा, ड्रैगन. ये जो पोएम्स हैं ये कैसे हाँ ऐड होना शुरू हुआ आपके काम में?
तो मैंने काम कर दिया। मैंने काम करने के बाद मुझे एक वन थिंग आई विच आई डोंट लाइक इज जो नजरिया है ऑडियंसेस का, उन्हें मेरे नजरिया से देखने का पसंद नहीं है मुझे। क्योंकि मैंने एक काम किया, मेरे हिसाब से मैंने एक काम किया, पर जो ऑडियंस है उनका भी थॉट्स फ्री होना चाहिए। मींस इट्स नॉट लाइक यही खत्म नहीं होना चाहिए, आगे भी बिल्कुल सोचना चाहिए कैसा होता है, इमेजिनेशन भी रहना चाहिए। इसीलिए आई वॉज सर्चिंग एट दैट टाइम कुछ रिडल्स रखना है। मीन्स हर वर्क के साथ क्या होता है, मीन्स एक्सप्लेनेशन होता है विद वेरी डिफिकल्ट इंग्लिश, किसी को समझ नहीं आता है, किसी को पढ़ने का भी मन नहीं लगता है। बट बिल्कुल एट द टाइम जब शो के पहले 1 month और 2 months पहले आई वॉज सर्चिंग फॉर एन पोएट किसी को लिखने के लिए, ओके तो उस वक्त ना मुझे अंजलि पटवर्धन करके एक पोएट मिली थी। एंड आई शोड हर द वर्क्स एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड हर द वर्क्स कैसा है, क्या है, कैसा किया है, किसको बैक स्टोरी क्या है करके। एंड उसको एक ही बात बोला कि आप जो भी लिखते हैं आप थर्ड पर्सन के हिसाब से लिखिए, आपको जो समझ आया उसके हिसाब से लिखिए, मेरे हिसाब से नहीं। बिल्कुल बिकॉज वॉट एवर द वर्क आपका पोएम है ना, दैट हैज टू इंडिकेट द वर्क, नॉट लाइक माई माइंड सेट उधर नहीं दिखना चाहिए करके उनको बताया है। सो शी हैज रिटन एंड आई आस्क्ड हर वॉट इज द हाउ मच, एंड शी हैजंट टेकन नॉट इवन अ पेनी फॉर द राइटिंग द पोएम्स। वाह उन्होंने 12 पोएम्स लिखा है मेरे लिए, एंड 12 पोएम्स के लिए उन्होंने एक भी रुपया नहीं लिखा है, नहीं लिया है, वाह सॉरी। आई एम रियली थैंकफुल फॉर हर, सीरियसली आई एम रियली थैंकफुल। इट इज लाइक यू नो वन आर्टिस्ट इज कमिंग एंड कोलैबोरेटिंग विद अनदर आर्टिस्ट, वो क्या होता है, एक बड़ा मीन्स एनर्जी क्रिएट समझे होता हो है, बिल्कुल एंड दैट रियली हेल्प मी टू कैरी ऑन विद द शो एंड ऑल। मीन्स इन द इनॉग्रेशन टाइम पर उधर खड़ा खड़ा होकर सबका जो बात करने का, मीन्स इट गेव मी एनफ एनर्जी। एंड जो पोएम्स है, मेरा फर्स्ट सोलो शो हुआ था ना, उस वक्त ना जो भी पोएम्स है इट्स नॉट प्रिंटेड, इट वॉज रिटन हैंड रिटन, कैलीग्राफी से लिखवाया था। सुधीर तिते करके एक मेरे हस्बैंड का कोलीग है, ही इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, वेरी गुड फोटोग्राफर एंड वेरी गुड कैलीग्राफर ऑल्सो। सो आई आस्क हिम, यू कैन यू राइट द पोएम्स फॉर मी इन द कैलीग्राफी, कैन यू राइट देम। तो उन्होंने भी मुझसे कुछ भी नहीं लिया। मीन्स आई एम रियली थैंकफुल फॉर दीज पीपुल, फॉर द पीपुल हु हैव सपोर्टेड मी। मीन्स बैकग्राउंड में रहते हैं ना, देखो देखिए फॉर वो अ वुमेन सपोर्ट बहुत होता है होता है, इट्स इवन द स्मॉलेस्ट थिंग और स्मॉलेस्ट स्माइल ऑल्सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल, इट बिल्कुल। इज हेल्पफुल, इट वॉज रियली हेल्पफुल। अच्छा ये मैं इस काम पे जरा बोल जानना चाहूंगा, ये इसका जैसे फ्रेम नहीं है, ये बहुत अलग एक इंटरेस्टिंग, सिर्फ सिर्फ ऑब्जेक्ट सा वो फील हो रहा है कि वहां, तो उसके पीछे कुछ है, या फिर जैसे ये फ्रेम, कई बार ऐसे फ्रेम में अगर मैं इसको भी ऐसे इमेजिन करूँ नहीं तो ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है विदाउट ये फ्रेम। ना हमारा दिमाग, आर्टिस्ट का दिमाग कैसा होता है, हमारा स्टैगनेंट आइडियाज नहीं होता है। तो हाँ मैं आई विद एन आर्टिस्ट, आई एम अ मदर आल्सो। एट द टाइम आई यूज टीच माय किड्स एक अमीबा करके, ये जो साइंस में होते हैं ना, आई वाज टीचिंग एट दैट टाइम। तो मैंने देखा है मेरा सब काम सर्कल में या अमीबा एक जैसे ही शेप में है। ओके आई फाइंड नहीं, ये मेरा काम है, मैं कैसे भी कर सकती हूँ। सही मीन्स बात दैट्स व्हाट आई दैट थिंग आई हैव क्रिएटेड दिस, एंड जो वेव्स पीछे आ रही है ना, जो इफेक्ट वो कर रही थी, इट वाज रियली गुड। मीन्स ये वाले काम में फ्रेम है फ्रेम नहीं है, फ्रेम ओके नहीं है, अच्छा पीछे एक वुडन प्लैंक ऐसा शेप में कट करवा कर हमने रखा है। ओके हाँ हाँ, हाँ अगर उसका पोर्ट्रेट भी आपको भेजा है वो भी आगे दिखती है। मीन्स ओके हाँ ये जो पोर्ट्रेट है मल्टी कलर्ड का पोर्ट्रेट है, हाँ
एक हमने बात किया था ना मेरे बेटी का फ्रेंड से, ओके ये हमारा ग्रुप शो आर्टिस्ट का। है ग्रुप शो का। ये ब्लर आ रहा है क्या? हाँ देखिए, थोड़ा ब्लर आ रही है, आप क्लियर है? ये जो पोर्ट्रेट है ना, जो लड़की कड़ी है हाथ बांध के, इट इज मे बी हर सब किड्स का वही हाल होगी। तो लॉकडाउन शुरू हो गई एंड सडनली स्कूल और क्लासेस सब कुछ मोबाइल में आ गए। तो बिल्कुल बच्चों का एक ट्रांसफॉर्मेशन, क्या स्कूल से मोबाइल में क्लासेस लेना, इट वाज अ डिफिकल्ट ट्रांसफॉर्मेशन। एंड द टीचर सडनली हैज बिकम वेरी स्ट्रिक्ट, मे बी दे आर क्वाइट। म्यूट हो गया। कैन यू हियर मी? आया आया। जो का यस आई कैन हियर यू। उस वक्त ना आई आस्क माई डॉटर, माँ कैन यू इमेजिन मी एज योर टीचर, सो आप ना मुझे टीचर समझकर मुझे एक फोज दीजिए, मैं एक फोटो क्लिक कर दूंगी। उसने वही फोज दिया है। ओके हाँ पर वो टाइम बिल्कुल डिफरेंट था ना। सब लोग घर में स्टक, फोन पे पढ़ाई चल रही है, सभी या लोग एक-एक फोन लेके बैठे। मैं अकेली एक हूँ जो बैठकर काम कर रही थी, सब लोग हमको क्या करना है पता नहीं चल रहा बिल्कुल था। तो ये हमारा कैटलॉग, शो का कैटलॉग, जो मेरे मेरे टीचर्स, मेरा फ्रेंड्स जो भी है, उन्होंने उस वक्त आकर हमको बहुत सपोर्ट दिया है। वाह। इट वाज रियली गुड थिंग। ए आप देख सकते हैं इसके ये ये जो वर्क के लिखा ऊपर हुआ है, कुछ ये भी उसी क्रोशिया से किया हुआ है? क्रोशे से एम्ब्रॉयडरी किया है, मैंने उसके वर्क के ऊपर एम्ब्रॉयडरी किया है। ये जो पोइम है ये लिखा है एकता कुमार ने, उन्होंने लिखा है ये उनके मीन्स उनके बच्चे बहुत इंस्पायर किया, मीन्स द शी इज अ राइटर एंड आल्सो। तो उनको मीन्स जब बातचीत किए थे, देन आई आस्क्ड योर मीन्स उस वक्त ना क्या हो गया, ये स्लीपिंग सीरीज करके एक सीरीज शुरू की थी, जो बच्चे जी सोते हैं बहुत, मीन्स दे आर वेरी अडोरेबल। आई फील मे बी ऑल मदर्स फील द सेम, आई थिंक इवन पेरेंट्स ऑल फील द सेम। तो जब एक्टिव होते हैं उस वक्त उतना अडोरेबल नहीं रह फील नहीं होता है, बट जब सोते हैं ना बहुत काम अडोरेबल फीलिंग, वो अच्छी अच्छी फीलिंग है। तो मैंने सब मेरे फ्रेंड्स जो भी है उनको सबको बोला है, जो भी मुझे परिचित हो है ना, उन सबको पूछा है कि जब आपके बच्चे सोते हैं उनका एक फोटो मुझे खींचकर भेजिए घर के। सो जिन्होंने भी मुझे भेजे थे ना वो काम किया, ये एकता ये फोटो भेजी एंड इट वाज रियली गुड। एंड मैंने बोला कि आप कुछ तो कुछ लिखिए इसके बारे में, तो उन्होंने बोला, उस वक्त तक मुझे पता नहीं था वो एक राइटर और पोएट भी है करके मुझे पता नहीं था। देन शी आज मी आपको कैसा चाहिए, पोएम में या प्रोस में चाहिए? आई वाज रियली शॉक्ड। मैंने सोचा आप कुछ तो लिख लीजिए उसके हिसाब से कुछ मैं करती हूँ। एंड छोड़ो मैं दो दोनों भी लिखकर भेज देती हूँ, आपको क्या पसंद है आप कर दीजिए। चूज कर लेना। जब मैं ये पोयम पढ़ी ना, आई वॉज रियली शॉक्ड। इट वॉज सो कनेक्टेड टू द दिस किड्स, जो सिबलिंग्स का रिलेशनशिप, अटेंशन, जो माँ के प्यार होता है ना, उस पोयम में दिखा है। एंड आई फेल्ट क्या मैं ऐसा काम कर सकती हूँ या नहीं, क्योंकि द पोयम इज वेरी ब्यूटिफुल, टफ, यू नो, जो हर पेरेंट को कनेक्ट हो सकती है। बिल्कुल दैट इज द वर्क विच इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू डू। ये इनॉग्रेशन का फोटो है,
लक्ष्मण गौड़ सर ने हमको बुलाकर हमसे लाइटिंग करवाया है, तो इट वॉज रियली नाइस। आर्टिस्ट दे आर रियली गुड आर्टिस्ट यू नो। तो मैंने बोला है ना, 9 months लिया मेरा फर्स्ट वर्क के लिए, यही ए वो जो वर्क है। ओके okay. अच्छा, जिसमें हाँ आप बोल रहे थे इसलिए नाक इधर कान इधर हो जाता है, हो रहा नहीं था नहीं वो। नहीं नहीं अच्छा, वो ये भी हाँ नहीं। वो आगे है। इसको ना मैंने बोला, मैंने आई टोल्ड माई सेल्फ ईच पार्ट कितना टाइम लेना है ले लो, पर अच्छा सा होना है करके। एक आंख ओके कंप्लीट करने के लिए आई हैव टेकन एटलीस्ट 20 to 25 days, ओके एक आंख कंप्लीट करने के लिए। पर वो एक चीज ये बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ का शेडो, फिर उसके बाद मुंह के अंदर का डेप्थ, जीभ के अंदर हाँ का वो लेयर शेडो, और उसके अंदर हल्का सा वो जो एक टिल्ट ऐसा सा दिख रहा है। मतलब मैं भी सोचता हूँ कि अगर इसका साइज इतना बड़ा है तो उसको भी इनलार्ज करके उसको समझने में भी कितना सारा, आपको कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है, कैसे देखना है, क्योंकि एक बार जब आपके सामने बड़ा होता जाता है चीज, तो उसको विजुअल भी ऐसे रख के करना पड़ता होगा ना। नहीं, मैं भी आपके जैसा ही सोचा था पहले। हाँ हाँ कैन वी गो टू नेक्स्ट वर्क, मैं आपको आई कैन एक्सप्लेन इट यू। हाँ आई थिंक वी कांट ए वो जो दूसरा, कैन यू एनलार्ज दिस वर्क, नहीं ये पीछे का इनलार्ज काम। इसमें पता नहीं कैसे होता है। अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके। ये मैंने ऐसा ही सोचा था, पर हाँ जब मैं काम कर रही थी वो क्या हो गया, मेरा इमोशनल जो पैटर्न है, क्योंकि एक एक काम महीने ले रही है, मंथ्स ले रही है। एक ऐसा नहीं कि चलो 2 दिन में हो गया, नहीं तो 10 days में हो गया, खत्म हो गया करके, ऐसा नहीं था। फ्यू वर्क्स हैव टेकन वेरी लॉन्ग टाइम, लाइक 6 months ऑल्सो, 4 months, 6 months, 3 months, ऐसा था। तो उस वक्त ना जो प्रोसेस है, मेरे इमोशनल पैटर्न, जो भी मेरा गुस्सा या जो भी थॉट्स उस वक्त जो जा रहा था, उसका पैटर्न भी वर्क्स में आ गया है। जो क्रोशिट करते हैं ना, हाँ तो सडनली कलर्स चेंज हो गए, सडनली देर आर होल्स इन द इन बिटवीन ऑफ द वर्क, एंड सडनली ये सब अनकॉन्शियसली हो गया है। यू कैन सी ओके दिस ग्रीन पैटर्न, मैंने क्यों वो कलर ऐड किया मुझे भी पता नहीं, बट आई फेल्ट लाइक एडिंग दैट कलर उस वक्त। वो जो ग्रीन पेज लगा है ना। हाँ ओके बट वो इंटरेस्टिंग है, मुझे ऐसा कहीं मतलब ऐसा लग नहीं रहा है कि वो कुछ डिस्टर्ब कर रहा है, बा कुछ ऐसे जानबूझ के नहीं लगाया है या कुछ नहीं, ये हुआ है। काम ये कंप्लीट इससे होने पहले दो। वाले में भी मुझे ऐसे ही ये फील हो रहा था। मैं बोला इसमें अगर मुझे ऐसा ये रहा था, अगर ये इसमें सिर्फ स्किन कलर नहीं भी होता, ये अगर मोनोटोनस ब्लू में होता है, रेड में होता, मैं वो इमेजिन कर रहा था अभी जब ये मैं काम देख रहा था। तो क्योंकि एक बार ओके जब हम काम, मुझे ऐसा लगता है कि एक बार काम में हम जब रस जाते हैं ना, तो आप अगर हाँ येलो के जगह रेड भी लगा दो या रेड के जगह ब्लू भी लगा दो तो भी वो काम के साथ ओके जाता है। मतलब मेरा ये फीलिंग है, मैं कई बार ऐसे करता हूँ खुद के काम में। इसमें क्रोशेट में एक काम है, आप यू कांट रिमूव इट। हाँ, अगर रिमूव करना है, कितना धागा पूरा सब कुछ खोलना पड़ेगा। को निकाल कर कहाँ कहाँ, इट यूज टू टेक अ लॉट्स ऑफ टाइम। बिल्कुल, हाँ पर मानना पड़ेगा ये आपको इतना सारा। जो भी वर्क हम मैंने किया ना, सब कुछ नीचे फ्लोर पर डालकर, फ्लोर में ड्राइंग करके, फ्लोर के टाइल्स होते हैं ना, उसके ऊपर ही ड्रॉ करके उस वही करती थी। ये मेरा हॉल है, तो एज द टाइम एंडेड फॉर द शो, मेरा सोलो शो का डेट पहुंच रही थी, मेरे पास टाइम उतना नहीं था। सो जो भी है, हॉल इज द बिगेस्ट रूम इन माई होम, तो उधर ही काम रखकर सब लोगों को बोले मुझे कुछ भी मत पूछो, कुछ भी, डोंट आस्क मी एनी क्वेश्चंस, डोंट आस्क मी एनीथिंग टू कुक, जो भी है मेरे वो पलंग शो में भी होने के कोई सो बाद। रहा है क्या? नहीं, वो काम है। ओके ओके आई वॉज पैकिंग माई वर्क्स हाँ उस वक्त ना,
एंड दैट फीलिंग इज देयर, समवन इज सोइंग स्लीपिंग ऑन हाँ द वैसे दिख रहा है वो फेस जैसे दिख रहा है, उसके ऊपर कपड़े डाल दिए हैं और वो सोया हुआ है। ये सेल्फ पोर्ट्रेट का मेरा काम है कंपल्सरी, जब मैं काम करती हूँ मेरे मुझे चॉकलेट कंपल्सरी चाहिए मेरा ब्रेन और उसे एक्टिव रखने के लिए ये वाला जब मैं काम देखा था ना, तो मुझे लगा था जो हैदराबाद में लक्ष्मा एल है ना, हाँ उनका एक मैंने फोटोग्राफ लिया था। वो हम लोग एक कैंप में गए थे, तो मुझे लगा था शायद ओके आपने उनका कोई पोर्ट्रेट बनाया है, और वो सेम ऐसे ही पोज में चश्मा ऐसे पहना हुए हैं और बाल भी वैसे ही। तो मैं पूछने वाला था, बाद में वो डिस्कशन में मालूम पड़ा कि वो आपका सेल्फ पोर्ट्रेट है। आपको बताया ना मुझे सबसे कांटेक्ट्स कट हो गया था, पहले पर नहीं था, खाली मेरे फ्रेंड्स से थे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, इसके गले का जो शेडो है, फिर जो डेप्थ है, और ये हर एक पार्ट का। ये लाइव वर्क है, ओके मेरे सामने जमीरर। मिरर रखने काम किया। ओके हाँ, हाँ फर्स्ट लाइव वर्क है क्रोशे में, हाँ क्योंकि मुझे क्या होता है, बच्चे भी है, आई हैव फ्यू रेस्पॉन्सिबिलिटीज, बिकॉज ऑफ दैट डायरेक्ट काम नहीं कर सकती हूँ मैं। किसी कुछ तो कुछ इमेज लेकर उसे चेंज करके देन आई स्टार्ट वर्किंग, मुझे लगता है ना, बट आपको इसको शूट भी करना चाहिए। अगर लाइव आप कुछ बना रहे हो तो हाँ किसी को बोल के उसको शूटिंग भी करवाना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा वो। और उसको आप एक प्रोजेक्ट में यूज भी कर सकते हो, कोई सोलो प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट टाइम आई'ल ट्राई, नेक्स्ट टाइम आई'ल टेक दिस। क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग है ना, आप जब मिरर देख के आप अपना काम कर रहे हो, तो वो काम हाँ करना, आपके आई कांटेक्ट जो मिरर में हो रहा है, फिर उस चीज को शूट करना, मैं इमेजिन करके मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। इट वॉज रियली इंटरेस्टिंग। मैंने बोला ना, एक आपने पूछा कि वेव्स जैसा है पीछे करके, हाँ ये है वो स्केच, उसको देखकर मैं ये काम की थी। तो आप ओके देख सकते हैं ये मल्टी कलर का पोर्ट्रेट है, मीन्स एक एक काम, बिकॉज इट हैज टेकन लॉट ऑफ टाइम कंप्लीट करते वक्त। ये कौन सा पार्ट है ये अभी जो बना है? फेस है वो अच्छा, अब ये इधर कान का है, ये कान का पार्ट है ना। पोर्ट्रेट, पीछे के पोर्ट्रेट देख सकते हैं ना, हाँ हाँ वो मैंने ओके ड्राई क्रिस्टल्स में किया था, उसको ओके ओके देखकर हाँ कर रही थी। हाँ सो दिस इज हाउ आई यूज टू वर्क। ये वन ऑफ माय सेल्फ पोर्ट्रेट का है, विच आई डिड इन पोस्ट ग्रेजुएशन। ओके ये और एक ऑर्डर वर्क है, किसी ने मेरा, उनको मेरा पोर्ट्रेट बहुत पसंद आ गए, उनकी बेटी का एक ओके पोर्ट्रेट चाहिए था, सो आई हैव डन दिस वर्क। तो ये आप क्लियरली देख सकते हो, ग्रीन कलर्स, मल्टी कलर्स, ये ना, सो आई जस्ट वांटेड टू क्रिएट। व्हेन आई वाज, मीन्स जब मैं बना रही थी एक वर्क, क्योंकि टिल यू कंप्लीट द वर्क, ये क्रोशे में कंप्लीट करते करने तक आपको पता नहीं चलेगा कैसा आया है पोर्ट्रेट करके, बिकॉज ओके इधर होता है यू हैव टू टेक केयर ऑफ द नॉट्स, नॉट्स अच्छा आया है, कहीं मिस्टेक हो गया, ये भी ध्यान रखना चाहिए, और कलर्स कहाँ कहाँ क्या उसको कभी लेना ऐसा है। हुआ है कि खोलना भी पड़ा है? इन द अर्ली अर्ली टाइम्स मुझे आई हैव रिमूव सो मेनी वर्क्स, आई हैव क्रिएटेड अगेन एंड अगेन रिमूव इट एंड अगेन क्रिएटेड, मीन्स ऐसा था। अब उतना नहीं, आई नहीं मुझे क्या बोलते हैं, थोड़ा प्रोफेशनल हो गई ओके थी। सो दिस इज हाउ आई वर्क। पीछे आप देख सकते हैं ड्राइंग करके उसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ करके। ओके तो मेरा स्टूडियो बहुत छोटा है, इट्स वेरी स्मॉल, सो वन स्पेस आई हैव, उसी पर आई यूज टू वर्क। तो ये फीलिंग होता है कि हॉल में रख दिया तो
कोई आ गया तो क्या सोचेंगे करके एक फीलिंग होता है, तो इसीलिए मैं एक रूम ले लिया, उसमें किया, छोटे ही काम है। तो मीन्स व्हेन यू आर डूइंग वेरी क्लोजली विद द वर्क, यू वोंट गेट द प्रपोर्शन क्या है करके। तो हर बार मैं क्या करती थी, स्टूल, बड़ा सा स्टूल है, उस पर चढ़कर जो लड़के मोबाइल मोबाइल में पिक्चर लेकर उसको देखकर, देन ओके इधर मिस्टेक आ गया, इधर अच्छा आ गया करके, देन आई यूज टू क्रिएट द वर्क। मैं वही बोल रहा था ना कि जब इतना बड़ा काम होता है तो फर्स्ट फ्लोर पे रख के बालकनी से झांक के देखो, हाँ ये अब प्रोपोर्शन में है। वाह, एक छोटी बच्ची का फ्रेंड का बेटी है। ये वुड पे है, नहीं, क्रोशे पीछे का क्या है? ही है, नहीं, नीचे उड का जो टेबल है ना वही है अच्छा बैग। वो टेबल के ऊपर। तो फर्स्ट टाइम क्रोशे का बैकग्राउंड यूज किया है इस वर्क में। ओके, जो मैंने बोला है ये अच्छा रियलिस्टिक ये वर्क किया, जो यही उल्ट प्रोजेक्ट। रिवर्स, हाँ, जो भी आप पीछे पेपर क्लिपिंग्स देख सकते हैं ना, उसके ऊपर का टेक्स्ट भी मैंने रिवर्स मिरर इमेज के जैसा लिखा है। इसको ओके मुझे स्टेट लेवल अवार्ड मिला है इन 2006। तो उस वक्त क्या हो गया, मेरा चाचा जी भी आ गए जिन्होंने मुझे पढ़ाया। भी ज्वाइन किया है। ओके तो मिनिस्टर जी, जो उस वक्त कल्चरल मिनिस्टर है रोसैया जी, वो मुझे अवार्ड दे रहे। मैं ऑडियंस में देख रही हूँ कहाँ मेरे चाचा जी है, चाचा वो जी खुश का या ओके नहीं। okay. तो साइड में देखो, साइड में मेरे टीचर, और देखो देखो उधर देखो करके बोल रहे थे।